Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. और आज बहुत दिनों बाद एक सेशन आ रहा है थोड़ा फ्रेश सा और ये है जॉब से रिलेटेड. यस, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिपीटेडली कि भाई जॉब्स के सेशंस लाइए, बहुत सारी जॉब्स देखना चाहते हैं आप, राइट? सो टाइप कर लीजिए naukri.com जैसे मैंने किया हुआ है और इसे कर दीजिए एंटर गूगल में. यस, और अब देखते हैं क्या होता है. इतने में ना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए बिकॉज आपके रिक्वेस्टेड सेशंस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे. आ जाएंगे हम स्ट्रेट, नीचे बहुत कुछ है, आप इसे देखते रहिएगा, राइट? मैं आ रही हूँ स्ट्रेट किस पे, HR पे. बहुत डिमांड आई है कि मैम जॉब्स बताइए, जॉब्स बताइए. इसी के साथ ये ओपन हो रहा है, काम और कर दीजिए. चैनल आ गया मेरा दूसरा रेडी फॉर रेसिस इंग्लिश, जाइए उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ भी सेशंस आने वाले हैं, राइट? आ भी चुके हैं, वहाँ के सेशंस देख सकते हैं. देखिए मैं ना नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, आप देख सकते हैं. ये आ गया मेरा अर्जेंट हायरिंग फॉर IT रिक्रूटर एट NIIT गुड़गांव. फाइन, ये देख लेते हैं. और यहाँ पे देखिए ये जॉब आई है मेरे पास, इसको देखिए, फ्रॉम 2 to 6 years एक्सपीरियंस है. जो फ्रेशर्स हैं प्लीज़ वो यहाँ पे ज्वाइन ना भागे ना, पूरा सेशन ज़रूर देखें बिकॉज मैं इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं. यस, आप मुझसे अक्सर बहुत सारी बातें पूछते हैं रिलेटेड टू जॉब्स, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए जॉब लोकेशन है और सैलरी भी देखिए नॉट डिस्क्लोज बाय रिक्रूटर है. जॉब कैसे ड्राफ्ट करते हैं ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. अब आता है मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन. डियर कैंडिडेट, वी आर हायरिंग फॉर SA. नेक्स्ट मैं सीधा आ जाती हूँ, देखिए यहाँ पे ना अब मैं आ जाऊँगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे. मैं यहाँ पे आ गई हूँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे डायरेक्ट. और वी आर लुकिंग फॉर टेक्निकल रिक्रूटर, ट्रेनिंग वुड बी गिवन टू न्यू हायर. यस, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ट्रेनिंग मिलेगी हमें, फाइन. देख लीजिए उसके बाद रोल क्या है, टेक्निकल रिक्रूटर एग्जेक्टिव का. लोकेशन क्या है, सेक्टर 34 गुड़गांव, बट नाउ वर्क फ्रॉम होम टिल द टाइम थिंग्स विल बी नॉर्मल. फाइन, मस्ट हैव कैंडिडेट मस्ट हैव हिज और हर ओन लैपटॉप एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन. फाइन, वर्क फ्रॉम होम है तो भाई लैपटॉप और गुड इंटरनेट कनेक्शन तो होना ही चाहिए. उसके बाद आ जाएगा मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन. फाइन, जॉब डिस्क्रिप्शन, द पर्सन वुड रिक्रूट फॉर लार्ज ITMNCs फॉर पैन इंडिया. दिस इज अ प्योर रिक्रूटमेंट प्रोफाइल फॉर लार्ज ITMNCs. IT रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस ना करें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, देखते रहें क्या क्या है. पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन मैं रीड नहीं करूँगी, कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊँगी, आपको रीड करना पड़ेगा खुद से. अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड रिसर्च अबाउट द क्लाइंट. हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि ये काम हमें करना होता है, अंडरस्टैंड करनी होती है रिक्वायरमेंट. आइडेंटिफाई सर्च क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोजिशन. मास मेलिंग ऑन पोर्टल्स, राइट? रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, शॉर्ट लिस्टिंग द प्रोफाइल्स, इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट्स एंड कैंडिडेट्स, अचीविंग द टारगेट्स, क्लोजिंग द पोजिशंस, शुड टेक द ओनरशिप राइट फ्रॉम टेकिंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट, सर्चिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एंड क्लोजिंग द पोजिशंस एंड जॉइनिंग ऑफ द कैंडिडेट, राइट? देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ना पूरा कंप्लीट ही रीड कर दिया. वी आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स हु आर सिंसियर, ऑनेस्ट, पंचुअल एंड पैशनेट अबाउट देयर वर्क, हु बिलीव इन ओवर अचीविंग द टारगेट्स, राइट? ये सब चीज़ें रीड करिए. देखिए हमने ये बहुत बार स्किल्स के सेशंस में डिस्कस किया है, आई होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा. डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में चेक कर लीजिए, मिनिमम 2 to 5 years, शुड बी एबल टू हैंडल द प्रेशर, शुड बी फ्लैक्सीबल टू वर्क फॉर 6 days, शुड बी अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली. जॉब लोकेशन इज दिस, फाइन. इससे आप देख सकते हैं कि अगर आपको जॉब पोस्ट करनी हो तो जॉब कैसे पोस्ट होती हैं, फाइन. इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फंक्शनल एरिया ह्यूमन रिसोर्स, रोल कैटेगरी रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, रोल IT रिक्रूटर, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम टेम्प्रेरी. की स्किल्स क्या क्या हैं, रीड ऑन कीजिए. स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग, प्लानिंग करके सोर्स करना, IT रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, हायरिंग, सोर्सिंग, मैपिंग, टेक्निकल रिक्रूटमेंट, HR एग्जेक्टिव, फॉलो अप्स, HR रिक्रूटर, टैलेंट एक्विजिशन, स्क्रीनिंग, LinkedIn, IT रिक्रूटर, हेड हंटिंग, फाइन. सो देख लीजिए ये आप बहुत अच्छी जॉब है, अप्लाई कर सकते हैं. यू नो इनके जो प्रोसीजर्स होते हैं एक बार ज़रूर करके देखिए अप्लाई, आपको पता चलेगा कि क्या होता है. ओके, मैं यहाँ से अप्लाई करके तो नहीं देख सकती हूँ, लाइए चलिए यहाँ पे देखें. लॉग इन टू अप्लाई करना पड़ेगा या रजिस्टर्ड अप्लाई, अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन देखती हूँ क्या आ रहा है. ओके,
इसको चेक देखिए। अब इसमें क्या होगा, अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे, फिल करके आप अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ओके, और रजिस्टर भी कर सकते हैं, ऐसी टाइप की जॉब्स आपको मिलती रहेंगी, फाइन। सो इसे चेक कर लें, रीड कर लें, देखिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नाउ यहाँ पे देखिए ना, जॉब व्यूज देख कर और ये जॉब एप्लीकेंट्स देख कर इसे ना डरे ना कि भाई इतने लोग देख चुके हैं और इतने एप्लीकेंट्स हो चुके हैं। यू नेवर नो कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है वो 2 to 6 years के दायरे में आते भी हैं, नहीं आते हैं, बस बहुत सारे लोग तो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। आई हैव सीन सो मैनी कैंडिडेट्स, जब हम लोग पोस्टिंग्स करते हैं तो जो हमारे पास CVs आते हैं ना, वो आधे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही आउट होते हैं। यस, फाइन, तो ये ना करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, प्रोसीजर्स को देखें, चेक करें कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं ज़्यादा लॉन्ग सेशन नहीं कर रही हूँ इसका, बिकॉज जॉब्स यहाँ पे मेरा जॉब को प्रमोशन करना बड़ा नहीं है, मैं यहाँ पे किसी जॉब को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरा सीधा और सीधा ये मतलब है कि आप समझ सकें कि जॉब्स कैसे सर्च आउट करनी है, फाइन। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।